प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र पहला अध्याय उसका 10वीं आयत, उसी ने हमें मृत्यु की ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को कलीसिया को लिखा हुआ दूसरा पत्र है। यहाँ पर एक घटना के बारे में पौलुस कहते, ये आप जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आसिया में एक बहुत बड़ा समस्या हुआ था, इस विषय के बारे में उस कलीसिया को बताते हैं। इस प्रकार पौलुस कहते, हमारा हम बचने की कोई उम्मीद नहीं था, मृत्यु की आज्ञा हमारे ऊपर हुआ है, अपना बल के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था। बहुत भयंकर एक समस्या पौलुस के जीवन में आया है। उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हम अपने मन में समझ लिया कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं में से जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़ी संकट से बचाया और बचाएगा और आगे भी बचाएंगे। हमारा प्रभु के ऊपर हमारे ये भरोसा है, आशा है कि आगे भी बचाएंगे। मनुष्य का सामर्थ्य से परे बाहर एक समस्या आ गया, खुद को भी लगा था कि अब बचेगा नहीं, मृत्यु की आज्ञा हमारे ऊपर हो गया, हाथ धोकर बैठ गया, कोई चांस नहीं था। ऐसे कोई संकट पौलुस के जीवन में आया, और पौलुस वहां पर कहते हैं, इतना बड़ा मृत्यु से परमेश्वर ने हमें बचाया और बचाएंगे, हमें प्रभु के ऊपर यह आशा है कि आगे भी बचाता रहेंगे। आपका परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर। कितना भी बड़ा समस्या है, मनुष्य का सामर्थ्य से बाहर अगर आए तो भी वो संभालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, वो आपको बचाएगा। आपकी उम्मीद, आपकी आशा सब कुछ टूट जाए तो भी हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आगे को भी बचाता रहेंगे। ये विश्वास प्रभु के ऊपर होने पाए, वो बचाया, बचाएंगे और आगे को भी बचाता रहेंगे, वो हमें संभालेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, शालोम।